से कुछ किसी चीज़ को बढ़ाएंगे तभी इंडिया प्रॉस्पर करेगा, तभी हमारी लोकल इकोनॉमी बढ़ेगी। अगर सब शहरों की तरफ भागेंगे और सब कुछ शहरों में ही होगा तो इंडिया आगे नहीं बढ़ सकता। मैडम कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, ऐसे में आप क्या समझते हैं कि कितने लोग आएंगे कोरोना के इसमें? कोरोना के आगे भी जिंदगी है और उसके पीछे भी और उसके बीच में भी, सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। सिर्फ मीडिया को देख देख के लोग कोरोना कोरोना कहते हैं, कोरोना है, डेंगू भी है, हर साल डेंगू के कारण भी इतने लोग मरते हैं, पर इतनी बात नहीं होती। तो कोरोना है, आप अपना सुरक्षा रखिए, मास्क पहनिए, पर काम भी करते रहिए, कर ही रहे हैं हम, कर ही रहे हैं, हमारे लेबर भी कर रहे हैं, खेत में बीज भी बो रहे हैं, रेस्टोरेशन भी कर रहे हैं, काम कहीं नहीं रुका हुआ है, काम चल रहा है। हमारी औरतें भी सिल रही हैं सामान, कोविड के में भी सिलती रहीं, मास्क भी बनाती रहीं। हमने अपने जो हेरिटेज हवेली है, जो हॉस्पिटैलिटी की, वहाँ से हमने रिलीफ वर्क भी किया कोविड के समय। 25 गांवों को और 25 वार्ड्स को हमने रिलीफ सैंक्शंस दिया। तो काम कभी नहीं रुकता, अगर मन में काम करने की क्षमता हो तो हम किसी ना किसी तरह से काम करते हैं जी।